नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें कि वेस्ट यूपी के मेरठ में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट और प्रयागराज पुलिस ने अतीक के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद देने के मामले में अखलाक को साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अतीक अहमद का बहनोई डॉक्टर अखलाक मेरठ के सूरजकुंड इलाके में रहता है। शनिवार देर रात प्रयागराज पुलिस ने नौचंदी थाने में आमद दर्ज कराई, जिसके बाद अखलाक की गिरफ्तारी के लिए डबाई नगर इलाके में दबिश दी गई। पुलिस ने जैसे ही अखलाक को पकड़ने के लिए छापा मारा, तभी दोनों पक्षों में गहमा गहमी हो गई। प्रयागराज पुलिस ने अखलाक को दबोच लिया, जिसके बाद उसे एसटीएफ मेरठ यूनिट की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे प्रयागराज पुलिस अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। बता दें कि एसटीएफ ने अतीक के बहनोई अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अखलाक ने आर्थिक मदद की है और शूटरों को संरक्षण दिया है, जिसको लेकर प्रयागराज पुलिस ने अपने साथ अखलाक को प्रयागराज लेकर आई है। तो उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अतीक के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो मेरठ से उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक के बहनोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अखलाक को अखलाक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें आर्थिक मदद दी है। बताया जा रहा है कि शूटरों को अखलाक ने अपने वहां संरक्षण दिया था। वहीं प्रयागराज पुलिस ने नौचंदी थाने में आमद दर्ज कराई है, जिसके बाद अखलाक की गिरफ्तारी के लिए डबाई नगर इलाके में दबिश दी गई। पुलिस ने जैसे ही अखलाक को पकड़ने के लिए छापा मारा, तभी दोनों पक्षों में गहमा गहमी भी हुई। प्रयागराज पुलिस ने अखलाक को दबोच लिया है, जिसके बाद उसे एसटीएफ मेरठ यूनिट की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे प्रयागराज पुलिस अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ेंगे। पवन, अतीक के बहनोई को अखलाक ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? अभी सूत्रों के तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अतीक एंड कंपनी का नाम पूरी तरीके से सामने आया था और तब से पुलिस लगातार अतीक के करीबियों और उनके मददगारों को लगातार तलाश कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और बताया गया है कि अखलाक सूत्रों को अपने यहाँ शरण दिया था। अखलाक के बारे में बता दें, अखलाक मेरठ में ही सीएससी में डॉक्टर के पद पर तैनात है और अखलाक को आरोप है कि हत्याकांड में शामिल सूत्रों को अखलाक ने अपने घर में पनाह दी थी। हालांकि पुलिस अखलाक को गिरफ्तार करके अपने पास रखी है। किस तरीके की पूछताछ की जा रही है, किस तरीके की बातें हैं, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है और प्रयागराज सहित तमाम आसपास के जो शहर है, आसपास के जो प्रदेश है, उनमें भी पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और जिस तरीके से अखलाक को मेरठ से पुलिस द्वारा और एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो निश्चित रूप से पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में तमाम ऐसी बातें सामने मिलेंगी जो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। अगर पूरे घटना को देखा जाए तो आज करीब एक महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस लगातार आरोपियों के तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इस पूरे घटना में अभी तक दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, लेकिन अभी तक इस पूरे घटना में जितने मुख्य चेहरे थे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की अगर अधिकारियों की माने तो लगातार पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ प्रयागराज में जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि इतने बड़े हत्याकांड को लेकर अब करीब एक महीना बीत गया है और ऐसे में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अगर अतीक की बात की जाए तो अतीक के जितने भी मददगार
या जितने भी करीबी हैं उनको पुलिस लगातार तलाश कर रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है। तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आई है कि पुलिस इनको किस तरीके से गिरफ्तार कर रही है, क्या पूछताछ की जा रही है, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक लाख की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड में खुलासा जरूर करेगी। जी पवन, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार देखिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहाँ है। अब इस उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर देखिए फिर से अशरफ को बरेली जैसे प्रयागराज लाया जाएगा। जी बिल्कुल आनंदनी, अगर आने वाले कल में अशरफ को बरेली जेल से एक बार फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस जो है सीजीएम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल करेगी, क्योंकि पुलिस चाहती है कि अशरफ को रिमांड पर लिया जाए, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में तमाम तरह की पूछताछ की जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका सवाल अभी आपने भी किया कि पूरे घटना में मुख्य रूप से आरोपी बनाई गई अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो लगातार घटना के बाद से फरार है। हालांकि पुलिस द्वारा उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और इसी दौरान जब ये बातें सामने आई, क्योंकि बीते कुछ माह पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता बहुजन समाज पार्टी से प्रयागराज में मेयर पद के प्रत्याशी के लिए उन्होंने नामांकन के लिए उनकी बात सामने आई थी, उनकी सदस्यता ग्रहण कराई गई थी और घटना के बाद से हालांकि अभी तक शाइस्ता को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, लेकिन उनकी सदस्यता जो है अभी भी बसपा में बनी हुई है। लेकिन आने वाले कल में बहुजन समाज पार्टी अपने नए प्रत्याशी का भी घोषणा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर करीब एक महीने बीत जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जबकि पुलिस द्वारा उनके पास 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और निश्चित रूप से पुलिस के जो इकबाल को ये चुनौती भी दे रहे हैं, क्योंकि एक महीने बीत जाने के बाद इतने बड़े हत्याकांड में पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली रहेगी। जी पवन, क्या लगता है कि देखिए जिस तरीके से पुलिस अतीक के रिश्तेदारों को गिरफ्त में ले रही है, क्या लगता है अभी और किन किन रिश्तेदारों पर गाज गिर सकती है? जी बिल्कुल नंदनी, अगर पूरे घटना को सीसीटीवी शुरू से देखा जाए तो जब 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और जीते दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जोर देकर कहा था कि पूरे घटना में शामिल सभी आरोपियों को मुक्ति में मिला दूंगा। हालांकि ये जो बातें थी वो जमीनी स्तर पर दिखने शुरू हुई थी, लेकिन कार्रवाई कहीं न कहीं वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब घटना के बाद लगातार जो प्रयागराज प्राधिकरण और प्रयागराज पुलिस तथा उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने जब कार्रवाई की तो अतीक के करीबियों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। हालांकि वो जो आरोपी है उनको ये बताया गया कि ये घटना में शामिल शूटरों की मदद करते थे या उनको हथियार मुहैया कराया करते थे या उस घटना में कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पूरे घटना को लेकर कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज और कई ऐसी तस्वीरें भी लोगों के सामने आई जिनमें चेहरे साफ तौर पर देखे गए थे। अगर उन चेहरों की बात की जाए तो पुलिस की पकड़ में वो पूरे चेहरे अभी तक नहीं आए हैं जो मुख्य रूप से घटना में शामिल थे, तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन अभी तक जैसे 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार की है, पूछताछ कर रही है, तो हालांकि आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मेरठ से राजा सोनकर जुड़ेंगे। राजन, मेरठ पुलिस देखे उमेश पाल हत्याकांड में मेरठ से अतीक के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का बहुत चर्चित हत्याकांड उमेश पाल का जो प्रयागराज में किया गया था, जिसमें अतीक अहमद का रोल निकलकर सामने आया, उसके बहनोई को मेरठ से प्रयागराज एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। और पूछताछ में पता चला है कि जो उमेश पाल का हत्या की गई थी उन शूटरों को यहाँ पर उन्हें संरक्षण दी गई थी, यहाँ पर छुपाया गया था और पहले भी अतीक अहमद के जीजा का नाम निकलकर सामने आया था। तो प्रयागराज पुलिस ने यहाँ पर डेरा डाल रखा था और पुख्ता इनपुट और पुख्ता सबूतों के साथ में यहाँ पर छापेमारी की, उसकी गिरफ्तारी करके प्रयागराज पुलिस यहाँ से ले गई है। फिलहाल अब जो उनका पूरा गिरोह है और जो उनके रिश्तेदार हैं पुलिस और योगी सरकार में, उन पर शिकंजा कसना लगातार शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले में पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे उन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जी राजन, क्या लगता है मेरठ से अभी और किसी भी रिश्तेदार की गिरफ्तारी हो सकती है क्या? अखलाक के पास देखिए बताया जा रहा है कि उन्होंने शूटरों को संरक्षण दिया था, आर्थिक मदद किया था।
अखलाक यानी कि अतीक अहमद के जीजा अखलाक का नाम कई बार निकल के सामने आया है कि जब भी अतीक अहमद खुद किसी अपराधों को करते थे तो वो संरक्षण के लिए यहाँ पर आ जाते थे, यहाँ पर छुप जाया करते थे। बताया ये भी जा रहा है, पहले नाम निकल के सामने आया था भैनोई का इनके अखलाक का, कि अखलाक उन्हें कोल्ड स्टोरेज में उन्हें संरक्षण देते थे, छिपाया करते थे। जब मामला थोड़ा शांत पड़ जाता था तब ये अपने अपने दूसरे अपराधों के लिए यहाँ से निकल जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो इनके रिश्तेदार है, पुलिस बहुत गहनता से छानबीन कर रही है, बहुत जल्द और लोगों के नाम भी निकल कर सामने आएंगे। तो पूछताछ एसटीएफ प्रयागराज कर रही है लगातार, और मेरठ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, और वहां पर जाकर पुलिस बहुत गहनता से पूछताछ कर रही है और लोगों के भी नाम निकल के सामने आएंगे। तो मेरठ पुलिस और प्रयागराज पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी और उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन। लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहाँ के हॉस्टल में रहने वाले लगभग 70 बच्चे रात का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल और चंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना के सामने आने के बाद मामले में सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि बीबीडी यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां पर 70 बच्चे बीमार हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले को लेकर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला बीबीडी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 70 बच्चे बीमार हो चुके हैं। बीबीडी यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग से 70 बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिसको लेकर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। सर बड़ी लापरवाही देखे कहीं ना कहीं सामने आ रही है। वहीं बीमार बच्चों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्टल में रहने वाले 70 बच्चे जो हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। ये पूरा मामला बीबीडी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, बीबीडी यूनिवर्सिटी की देखा जाए तो बड़ी लापरवाही सामने आई है, फूड पॉइजनिंग से 70 बच्चे बीमार हो चुके हैं। देखिए, लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में बीबीडी यूनिवर्सिटी का नाम आता है, और वहाँ बड़ी लापरवाही की अगर बात की जाए तो ये घटना सामने आती है। जिस दिन बीबीडी यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे था, वहाँ पे एक फेस नाइट तैयार की गई थी, और उसी रात जो है देर रात लोहिया अस्पताल में तकरीबन 42 छात्राएं और फिर चंदल अस्पताल में भी तकरीबन इतने की संख्या में छात्राओं को एडमिट कराया गया था फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी। देर रात लोहिया अस्पताल में कुल 38 छात्राएं आई थी, और सुबह के समय कुल 4 छात्राएं इमरजेंसी में लोहिया अस्पताल में आई थी। और जब हमने लोहिया अस्पताल के डॉक्टर एपी जैन, जो कि मीडिया प्रभारी भी हैं, उनसे बातचीत करके मामले को जानना समझना चाहा, तो उन्होंने कहा कि देर रात में कुल 38 बच्चियां ब्यूटी यूनिवर्सिटी की थी, और जो सुबह 4 बजे के करीब जो है 4:30 के बीच में 4 और बच्चे जो है वो बीबीडी यूनिवर्सिटी से आए थे। कुल 42 छात्राएं जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी, और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद, तत्काल उपचार के बाद दवाइयां देकर भेज दिया गया था। कोई भी जो छात्राएं हैं वहां पे, कोई भी छात्रा लोहिया अस्पताल में एडमिट नहीं है, ना ही किसी की समस्या गंभीर बताई गई है। इसके बाद ये बड़ी लापरवाही सामने आती है कि खबर ये है कि हॉस्टल का जो खाना है वो खाने से तकरीबन 70 से अधिक छात्राएं जो है बीमार हुई थी, उल्टी और दस्त की शिकायतें हुई थी, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ये बात जो ये खबर जब प्रकाश में आया, उसके बाद सीएमओ मनोज अग्रवाल ने इस पे जांच के आदेश दे दिए हैं, और एसडीएफ की टीम जो है बीबीडी के हॉस्टल में जाके, जो गर्ल्स हॉस्टल का मामला था, वहां जाके जो है वो किचन के एरिया में सभी चीजों के जांच पड़ताल कर रही है। एसडीए की टीम जो है नमूने ले रही है खाद्य सामग्री की, और नमूने लेने के बाद जांच की जाएगी। जांच के बाद जिस प्रकार से नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी, अगर कोई भी चीजें जो है अगर पाई जाती है इस अवस्था में कि यहाँ से कमियां पाई गई है, तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन का क्या कुछ कहना, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, 70 बच्चे बीमार हुए हैं।
देखिए कॉलेज प्रशासन शुरू से ही इस मामले को दबाने में लगा रहा है और कॉलेज प्रशासन अब तक इस मामले पर चुप्पी साध रखा है। अगर बात की जाए तो हमने लोहिया अस्पताल के एपिजेंट से बात की, उन छात्राओं की कंडीशन के बारे में बात की, क्या उनकी हालत थी, कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं थी। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी छात्रा जो अभी लोहिया अस्पताल में एडमिट नहीं है, सभी को उपचार के बाद भेज दिया गया और सभी जो है फिलहाल अभी स्वस्थ है और दवाइयां देने के बाद सभी को भेज दिया गया। लेकिन सीएमओ मनोज अग्रवाल ने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और एफएसडीए की टीम जो है ये बीबीडी गर्ल्स हॉस्टल में जाके किचन के खाद्य सामग्रियों का जो नमूना जो है कलेक्ट कर रही है। इन नमूनों को कलेक्ट करने के बाद जांच में लेबोरेटरी में जांच में भेजा जाएगा। अगर इन नमूनों में कोई किसी प्रकार की खाद्य सामग्री में कमियां पाई जाती है, मानक रूप ये नहीं होते हैं, तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। विवेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोंडा में नगर क्षेत्र के अंतर्गत जगन्नाथपुरी जानकी नगर में 3 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शरारती चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से पुलिस ने 8,13,450 भारतीय रुपए व 32,750 नेपाली मुद्रा के साथ 2 अदद चाबी, 1 अदद आधार कार्ड, 1 अदद देशी तमंचा 12 बोर और 1 अदद मिस कारतूस 12 बोर बरामद किया है और नगर पुलिस ने दोनों शातिर को जेल भेज दिया है। गोंडा कोतवाली नगर में विगत सप्ताह एक गल्ला व्यापारी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिजन उसमें अंतिम संस्कार में व्यस्त थे, सुना घर पा करके किसी ने रुपयों से भरा बैग गायब कर दिया था। जब उनके बच्चों को जानकारी मिली घर के लोगों को, तो उनके द्वारा तहरीर दी गई कि रुपये भरा बैग गायब है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशानुसार जनपद की स्वाट टीम को और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और उनकी टीम को लगाया गया। उनके द्वारा प्रयास किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और भी कार्रवाई करने के उपरांत उनके द्वारा 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक संदीप कुमार है जो मूलतः सीतापुर का रहने वाला है और वो गल्ला व्यापारी के यहाँ ये नौकर था, और दूसरा रोहित कुमार है जो लखनऊ का रहने वाला है, ये उसका संदीप का मौसेरा भाई है। इन दोनों ने मिल करके एक तीसरे आदमी का सहयोग लेकर के रुपयों से भरा बैग गायब किया हुआ था। इस बैग में आज इन दोनों लोगों के कब्जे से 8,13,450 रुपये भारतीय रुपये और 32,750 नेपाली राष्ट्र के करेंसी बरामद। लखनऊ में उचित मानकों को पूरा न करने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है, जहां सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर केडी मिश्रा ने 5 अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर इन सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। साथ ही 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब न देने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखिए अस्पतालों को मानकों न पूरी करने पर उन्हें कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। देखिए लगातार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल के द्वारा जो है ये कार्रवाई जारी है और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है ऐसे अस्पतालों से कार्रवाई कर रहा है और निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं जो मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो मानकों के अनुरूप नहीं बने हुए हैं। कल डिप्टी सीएमओ के डी मिश्रा द्वारा 5 अस्पतालों अवसर निरीक्षण किया गया, जहाँ पे ये 5 अस्पताल इस प्रकार से हैं: दिगंबा स्थित सुरक्षा अस्पताल, ट्रामा सेंटर, मन्नत अस्पताल, पूजा अस्पताल, मैनकाइंड अस्पताल और मर्सी अस्पताल। और इन सभी पांचों अस्पतालों में मानकों के उल्लंघन की बात सामने आई है, जहाँ सुरक्षा अस्पताल में, ट्रामा सेंटर में 2 मरीज मिले थे और ये अस्पताल वर्तमान समय में रजिस्टर्ड भी नहीं है, न ही यहाँ जो फार्मेसी का लाइसेंस है। फायर फाइटिंग की सिस्टम जो है वो बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैनकाइंड अस्पताल में निरीक्षण के दौरान फार्मेसी का लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया और फार्मेसी का जो लड़का तना था वो फार्मेसी के पहले वर्ष का था। इसके अलावा जो होम्योपैथ चिकित्सक वहाँ पे तैनात था वो आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात मिला और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं मिली थी। वही अगर मन्नत अस्पताल की बात की जाए तो बिजली के तार खुले हुए थे, फार्मेसी लाइसेंस पर दूसरे वर्ष के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति था, पूजा अस्पताल में फायर एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी और मस्ती अस्पताल में कोई चिकित्सक इस समय उपलब्ध नहीं था और बायोमेडिकल वेस्ट की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। अस्पताल परिसर में काफी गंदगी थी। इसके बाद डॉक्टर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर के डी
पी मिश्रा ने इन सभी अस्पतालों को एक नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर कारण बताओ जवाब देने का नोटिस जारी किया और 24 घंटे के अंदर ये अपनी जवाब नहीं देते हैं और जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी केडी मिश्रा द्वारा दी गई। इस प्रकार से देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग लगातार उन अस्पतालों से सिकंजा कसता जा रहा है, कार्रवाई करता जा रहा है, जो सुरक्षा मानकों या फिर इन सभी जो मानक तय होते हैं अस्पतालों के उससे खड़े नहीं उतर रहे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। रायबरेली में एरिया थाना क्षेत्र के गौचरा गांव में अराजक तत्वों ने गौशाला परिसर में रखे पुआल में आग लगा दी, जहां सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पुलिस और तहसीलदार के साथ लेखपाल सहित अन्य कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारा पुआल जलकर खाक हो गया। वहीं ग्राम प्रधान अमन जायसवाल ने बताया कि गौचारा की गौशाला में लगभग 300 मवेशियों के लिए यह पुआल खरीद कर लाया गया था जो जलकर राख हो गया और मामले का शिकायती पत्र थाने में दिया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।